हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो रिसेंटली आपने ब्लैक होल की एक फोटो देखी होगी, जिसमें आपको ब्लैक होल का ये राउंड शेप नजर आ रहा होगा, जो कि लाइट की तरह जल रहा है और आजू बाजू अंधेरा है। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये जो ब्लैक होल आप देख रहे हैं, ये अर्थ से 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर है और जिसकी फोटो खींची गई है 8 टेलीस्कोप्स के एक नेटवर्क के थ्रू, जो कि दुनिया के अलग अलग जगह पर रखे हुए थे। इन सभी टेलीस्कोप के एक नेटवर्क से इवेंट होराइजन टेलीस्कोप बनता है, मतलब EHT, और इसी के कारण हम इतने बड़े ब्लैक होल की फोटो को कैप्चर कर पाए। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट प्रोफेसर फेल्क के सुपरविजन में हुआ है, जो कि रेड पाउड यूनिवर्सिटी नीदरलैंड से हैं। और ये ब्लैक होल जिस गैलेक्सी में पाया गया है, उसे M87 नाम दिया गया है। प्रोफेसर फेल कहते हैं कि हम जो तस्वीर में ब्लैक होल देख रहे हैं, वो एक्चुअली में हमारे सोलर सिस्टम से कई गुना बड़ा है। इस ब्लैक होल का मास 6.5 बिलियन टाइम्स ज्यादा है सूरज के मास से, और जिसका साइज 3 मिलियन टाइम्स ज्यादा है अर्थ के साइज से। प्रोफेसर फेल कहते हैं कि हमें अभी भी ये जानने की जरूरत है कि इसमें लाइट कैसे निकल रही है। इस इमेज में आपको एक रिंग ऑफ फायर देखने को मिलती है, वो बनता है सुपर हीटेड गैस के जलने से। और इस रिंग से जो लाइट निकलती है, जो कि पूरी गैलेक्सी को कंबाइंड भी कर दिया जाए तो इतना ब्राइट लाइट हमें देखने को कहीं नहीं मिलता है। और यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम इतने दूर होने के बावजूद इसे देख पा रहे हैं। डार्क सर्कल के सेंटर पे वो पॉइंट है जहाँ पर गैस एंटर होती है ब्लैक होल में, और उस सेंटर के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि अगर वहाँ लाइट भी जाए तो वो भी वहाँ से निकल के वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल की तस्वीर मैच करती है थ्योरेटिकल ब्लैक होल की इमेजिनेशन से, जो कि हमें हॉलीवुड की मूवीज में भी देखने को मिलता था। ब्लैक होल की ये तस्वीर आइंस्टीन की थ्योरेटिकल इमेजिनेशन से बिल्कुल मिलती है, और एक बार फिर आइंस्टीन बिल्कुल सही साबित होते हैं। अब बात करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कैसे हुई। तो प्रोफेसर फेल को ये आइडिया आया जब वो अपने कॉलेज में PhD कर रहे थे। ये बात है 1993 की। तब वे ऐसा कुछ करना चाहते थे। तब उन्हें लगा कि पॉसिबल हो सकता है कि अगर सर्टेन टाइप के रेडियो इमिजेंस को जनरेट किया जाए ब्लैक होल के चारों तरफ, जो कि इतने पावरफुल हो कि जब हम उन्हें टेलीस्कोप से देखें तो ब्लैक होल उसमें डिटेक्ट हो पाए। 20 साल तक अपना ये केस लड़ने के बाद प्रोफेसर फेल का अपना ये एक्सपेरिमेंट चालू कर पाए, और उन्हें यूरोपियन रिसर्च काउंसिल से फंड मिला इस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए। द नेशनल साइंस फाउंडेशन और ईस्ट इंडिया की एजेंसी मिलकर उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को फंड किया, और 40 मिलियन यूरो के बजट के साथ इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया। कोई सिंगल टेलीस्कोप इतना पावरफुल नहीं हो सकता था जो कि इस पूरे ब्लैक होल को कैप्चर कर पाए, इसलिए दुनिया भर में 8 अलग अलग जगह पर 8 टेलीस्कोप लगाए गए, और इन सभी का एक नेटवर्क बनाया गया जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कहते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को करने में 200 साइंटिस्ट की एक टीम बनी। इस पूरे काम में जितनी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर पाए, इसे इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत इम्पॉसिबल था, क्योंकि डेटा का साइज बहुत बड़ा था। इसलिए इसमें हजारों हार्ड ड्राइव्स का यूज किया गया, जिसे प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तो दोस्तों, ये था कुछ इम्पॉसिबल था जो कि अब पॉसिबल हो चुका है। अभी तक हम मार्स में जाने की बातें करते थे, बट अब हमने ब्लैक होल तक ढूंढ निकाला है। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज पर रिसर्च की है, और हमें दुख है कि ये देखने से पहले ही उस दुनिया में नहीं रहे, नहीं तो आज साइंस की इस जीत को देखकर वे बहुत खुश होते। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। ये वीडियो बहुत जल्दी में बनी है क्योंकि बहुत काम की इन्फॉर्मेशन थी और आप तक लाना बहुत जरूरी था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।